राधा, पढ़ना लिखना हमारी किस्मत में नहीं है, हमारी किस्मत में पत्थर तोड़ना लिखा है। बस ना, मेरी तकदीर में पत्थर तोड़ना ना लिखा। ये मेरी किताब है, मैं नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम इसे जला दोगी, मेरी सब किताबों को जला दोगी तुम। आनंद, शिक्षा का जो मतलब तुमने समझा है वो नहीं है। शिक्षा का मतलब है अच्छे चरित्र का निर्माण। क्या तुम अपनी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई हमें दे सको? बोलो, है हिम्मत तुम्हें हमें पढ़ाने की? अरे बोलो। चल 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 चल, ठंडी हवा के साथ चल। चल 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 चल, ठंडी हवा के साथ चल। नहीं तो रह जाएगा, नहीं तो खो जाएगा ये पल। हाँ, नहीं तो खो जाएगा। राधा, ये पल। राधा, क्या हुआ तुझे? ए राधा, ये क्या कर रही तू? क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। हुआ कैसे नहीं, क्या बड़बड़ा रही थी? अपने आप से ही बातें कर रही थी। हाँ देख, मैंने ना कई बार इससे पहले भी तुझे यही करते हुए देखा है। आखिर ये सब है क्या? क्या बोलती रहती? कुछ ना है, तो जाके अपना काम कर, जा। ठीक है, तू नहीं बताती तो मैं तुझसे पूछती भी नहीं। अरे अब नाराज क्यों हो रही? मैं कविता सोच रही थी। कविता? कविता और तू? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कविता, अरे तू बावली तो नहीं हो गई है? क्यों, कविता सोचना बावले लोगों का काम है क्या? भाई बावले लोगों का काम नहीं तो पढ़े लिखे लोगों का काम तो है, और वैसे भी तू तो अनपढ़। देख रही, गाली ना दे। गाली? राधा, मैं तो सच्चाई कह रही हूँ। क्या मैं और तू हम दोनों अनपढ़ नहीं है? बोल। ये अनपढ़ शब्द गाली है मेरे लिए। मेरी जिंदगी का शराब जो भगवान ने मुझे दिया है। कभी कभी ना तू बिल्कुल पागलों वाली बातें करती है। एक दिन पागल हो जाएगी, बता देती तुझे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन भगवान मुझे उस कूड़ता की दलदल से जरूर निकालेगा। भगवान जरूर निकाले, जरूर। काम कर, काम। अभी ठेकेदार आके डांटेगा। चल शुरू हो। आनंद को क्या हो गया? जब देखो जब खोया खोया सा रहता है। दो दिन से कॉलेज भी नहीं आया है। तुम्हें कुछ मालूम है? सॉरी, आई डोंट नो एनीथिंग। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ उसका? बिल्कुल नहीं। फिर क्या बात हो सकती है? दरअसल एज अ फ्रेंड मैं आनंद को जितना जानती हूँ वो एक बहुत ही भावुक लड़का है, और इसका सबसे बड़ा कारण है 4 साल पहले उसकी माँ का कार एक्सीडेंट में देहांत। उसके डैड के पास इतना टाइम नहीं कि वो उसका ठीक से ख्याल रख सकें। बहुत मिस करता है वो अपनी माँ को, बहुत प्यार करता था उसे। मुझे लगता है कि किसी ने उसे कुछ कह दिया है जो उसे बहुत बुरा लग गया, तभी इतने दिनों से वो खोया खोया सा है। ओए ओए आनंद, क्या हो गया तुझे? तू और किताब पढ़ रहा है? अरे तुम लोग आओ आओ। हैं? आओ आओ, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्यों, क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो बैठो बैठो। और सुना, तू है कहाँ इतने दिन से? यहीं तो, और कहाँ? यार
जब से तू उस चिपकू की क्लास से आया है ना, तभी से तेरी ये हालत है। चिपकू ने कुछ कह दिया क्या तुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, फिर बताना यार बात क्या है? देख अब उनका दिमाग खराब हो रहा है। यार देख, तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कॉलेज जाने का तो मन ही नहीं करता है, सब कुछ सुना सुना सा लगता है, बताना यार। अच्छा ये बता, आज कॉलेज में क्या हुआ? ये टालने के चक्कर में है, तू नहीं बताना चाहता ना? नहीं बताना चाहता ना? ठीक है चल चल चल। अरे बैठो बैठो यार। अच्छा बताता हूँ। ये हुई ना बात, नाउ शूट। यार वैसे ही ख्याल आ रहा था, वो जो लड़की थी ना। लड़की? अबे कौन सी लड़की? तू चुप कर यार, बी सीरियस। हाँ हाँ आनंद, कौन सी लड़की? वो नदी के किनारे जब हम फुटबॉल खेल रहे थे, जिसे फुटबॉल मारी थी। हाँ वही, जो रेत पर कुछ लिख रही थी, अपने आप से बातें कर रही थी, पागल सी। हाँ वही वही। क्या हुआ उसे? मैं सोच रहा था, हमने बहुत ज्यादती की उसके साथ, वो बेचारी गरीब। ओ कम ऑन यार, अगर तू इस बात से परेशान है तो ये तो कोई बात ही नहीं है परेशानी वाली। यार वो अनपढ़ गवार सी लगती थी, तेरे को क्या लेना देना उससे यार। आनंद तुम्हें ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। यार आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, और हमें कोई हक नहीं पहुंचता किसी की बेइज्जती करने का। चल यार जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ उसे। मैं भूल नहीं पा रहा हूं यार, मैं उससे बस एक बार मिलना चाहता हूं। मिलना चाहता है? किस लिए भाई, तू पागल हो गया है क्या? मिलना चाहता हूं। यार तू अपना स्टेटस तो देख यार, तेरे को क्या करना उस लड़की से मिलकर? यार मैं उससे बस एक बार मिलकर सॉरी बोलना चाहता हूं, हमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ, बस एक बार बात करना चाहता हूं। ठीक है यार, कल ढूंढ लेते हैं उसे। नाउ हैप्पी? कम ऑन चीयर अप। देख हम उस लड़की को ढूंढने के लिए ना इस शहर का कोना कोना छान मारेंगे, क्यों? ठीक है ना? ठीक है, ओके। हे राधा। अरे चमेली तू, अरे आना आना अंदर आजा बैठ। आज काम पर क्यों नहीं आई? वो ठेकेदार है ना, चीख रहा था बहुत, मैंने सोचा तुझसे पूछ लूं। अरे बस यूं ही, वो कुछ जी सा ठीक ना था। तू और तेरा जी मेरी तो समझ से बाहर है। देख तेरे इसी जी का इलाज करने आई हूं मैं आज। क्या मतलब? इधर आ, मैंने ना पता लगाया है कि अगली गली में ना एक औरत रहती है, जमुना, स्कूल तक की पढ़ाई उसने पूरी की हुई है। अच्छा? हाँ, और सुना है बड़ी समझदार है। हाँ किसी किताब में ना नाम बदलकर खूब लिखती थी किसी जमाने में। ओ हाँ, देख रहा था तेरे में ये जो पढ़ने लिखने की चाह है ना, ये उसी से पूरी हो सकती है। तो उसे फौरन मिल और उसे कह कि तुझे पढ़ाए। चमेली अरे बड़ी काम की खबर लाई है तू तो, अरे कमाल कर दिया तूने। लेकिन सवाल यो है कि किसी को भी पता ना लग जा। हाँ हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा, समझी? अरे राधा कौन आया है री? चमेली है माँ। अच्छा तभी खुसर खुसर हो रही है। सुन ऐसा करेंगे, कल जब काम से वापस आएंगे ना तो आते समय उसके घर चल पड़ेंगे, ठीक है? ये ठीक रहेगा। अब तो खुश? बिल्कुल। Thank you.
अबे ये तू क्या कर रहा है? अरे यार उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ कहाँ मिलेगी तुझे? शायद मिल जाए। तू चुप कर यार। आनंद, मैंने कल नदी किनारे कुछ लोगों से बात की, उनमें से किसी ने बताया वो लड़की रोज वहां आया करती थी, लेकिन अब उसने आना ही बंद कर दिया। वो कौन थी, कहां से आई थी, कुछ पता नहीं लग पा रहा यार। यार डोंट वरी यार, वो जल्द ही मेरी दूरबीन के घेरे में आने वाली है। ओह शट अप यार। डोंट वरी आनंद, जल्द ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। चल कैंटीन में चलकर ब्रेड पकौड़े खाते हैं। नहीं यार, मैं घर जा रहा हूँ यार। ओ कम ऑन आनंद, इतना उदास होने वाली भी कोई बात नहीं है। देख तलाश जारी है, जब मिल जाए तो बात कर लेना, बस फिनिश। अगर कोई और बात है तो फिर बात दूसरी है। कौन सी बात? वो वाली। अबे तू कभी तो अकल की बात किया कर। कहां आनंद और कहां वो लड़की? आनंद को तो सिर्फ गिल्ट की फीलिंग है, वो कहते हैं ना आत्मग्लानी, वही वाली फीलिंग। ओह आई सी। ठीक है यार मैं चलता हूँ। ठीक है यार, हम भी कुछ देर कैंटीन में बैठकर निकलने ही वाले हैं। ओके सी यू, बाय। हम हैं जमीली और राधा। कौन हो तुम? हम लोग साथ वाली गली में रहते हैं। आपसे कुछ काम था। क्या काम है? आओ अंदर आओ जी। आओ बैठो। कहो क्या काम है? जी मैं चमेली हूँ। मैं तो बंबई शहर में काफी देर से रह रही हूँ, लेकिन राधा को गांव से यहाँ आए अभी साल भर ही हुआ है। कौन से गांव की हो? जी माधोपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, यूपी की हो। भाई बंबई शहर में भारत के हर कोने से लोग आते हैं काम के तलाश में। कहाँ काम करती हो? जी वो नाके पर बड़ी बिल्डिंग बन रही है ना, हम दोनों वहीं काम करते हैं। इसके बापू भी वहीं काम करते हैं। ओ, अच्छा। कहो मुझसे क्या काम है? जी ये राधा है ना, ये पढ़ना लिखना चाहती है। इसकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करे। मैंने आपके बारे में किसी से सुना था, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। क्या सुना था मेरे बारे में? जी यही कि आप बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी समझदार हैं, सबकी मदद करती हैं आप। देखिए हम दोनों बड़ी आशा के साथ आए हैं आपके पास। लेकिन मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? तुम मुझे पढ़ा दोगी? अरे तुम क्यों मुसीबत मोल लेना चाहती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ठेकेदार को पता चल गया तो वो तुम्हें और तुम्हारे बापू दोनों को नौकरी से निकाल देगा। क्यों? बड़ी भोली हो तुम, नई नई आई हो ना शहर में। अरे ठेकेदार को अगर पता चल गया कि तुम लोग पढ़ने लिखने लगे हो तो उसकी पोल नहीं खुल जाएगी सबके सामने। वो क्यों? सालों से देखती आई हूँ बेटा इन ठेकेदारों के चक्कर। अरे वो मजदूरों को पूरा पैसा कहाँ देते हैं, लेकिन क्योंकि मजदूर अनपढ़ हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता ही नहीं, इसीलिए ये ठेकेदार मजदूरों का खून चूसते हैं और चूसते रहेंगे। न्यू ही तो मैं पढ़ना चाहूँ। मैं ना थोड़ी थोड़ी कविता भी कर लेती हूँ। कविता भी? हाँ वैसे मैं तीसरी कक्षा तक तो पढ़ी हूँ और थोड़े बहुत शब्दों को मिला भी लेती हूँ, पर बहुत सारे शब्द आते नहीं मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे बापू को पता चल गया तो वो तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। अरे ना किसी को भी पता ना चलेगा, बस तुम मुझे पढ़ा दो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं बहुत पढ़ना चाहूँ,
जिससे मैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकूं। तुम्हारी ये तड़प देखकर मैं भी चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, मगर ये मर्द जात है ना बेटा, ये औरतों को फलता फूलता नहीं देख सकती। मुझे ही ले लो, किन मुश्किलों से मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की ये मैं जानती हूँ। पहले पिता और भाइयों का सामना किया, चाहती थी ग्रेजुएशन करूं, मगर किसी ने कॉलेज ही नहीं जाने दिया। शादी के बाद पति से लड़ती रही, मगर क्या मिला, वही एक मजदूर की जिंदगी, गरीबी, अंधकार, बस। मगर किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा मैंने। मैं अपनी जिंदगी के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, बस कृपा करके तुम मुझे पढ़ा दो। शादी के बाद मैंने चुपके चुपके पढ़ना जारी रखा। सच बताऊं, मुझे भी बहुत शौक था कविता का, जो थोड़े बहुत पैसे जोड़ती उनसे कविता की किताब खरीद लाती। कुछ किताबें हैं मेरे पास बड़े बड़े कवियों के, जैसे टैगोर, निराला, दिनकर, बच्चन, तुम पढ़ोगी? हाँ हाँ। बहुत मासूम हो तुम और कितनी सुंदर भी, भगवान भी कितना निर्दयी है, रूप दिया है मगर किस्मत देने में कंजूसी कर गया। मेरे विचार से हम लोग कल से ही शुरू कर देते हैं। मेरे पति शाम को देर से आते हैं आजकल, तुम शाम को इसी समय थोड़ी देर के लिए आ जाया करना, ठीक है? हाँ जी, यही ठीक रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम चलते हैं। धन्यवाद। अच्छा जी। कितनी अच्छी थी ना जमुना चाची। अरे बहुत अच्छी है वो। कल से तेरी पढ़ाई शुरू। बिल्कुल। आज अपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं। क्या बड़ी होशियारी दिखाती है, जब देखो खाली पील में बम मारती है। अरे हट इधर से, अपनी बीवी को मारने में तुझे शर्म नहीं लगती? तू कौन है? कौन है तू? यहाँ की शहजादी है क्या? अरे ये तो बता, हुआ क्या जो उसे मार रहा है? क्या बताऊँ क्या हुआ, मालूम है क्या बोलती है? मालूम है क्या बोलती है? कहती है मजदूरी नहीं करूँगी। अरे भाई, जब मजदूरी नहीं करेगी तो चूल्हा कैसे चलेगा? आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, तेरी बीवी तेरे बच्चे की माँ बनने वाली और तू इसे मार रहा? अरे अखी दुनिया की औरतें माँ बनती है, ये बन जाएगी तो क्या निराली हो जाएगी? कैसा आदमी है रे तू? अरे इसे फौरन अस्पताल लेके जा, वरना तेरा बच्चा बचेगा ना। यार तू अपना काम कर, ये बच्चा मेरा होगा, समझे? अब इस बच्चे का मैं जो चाहे करूं, तुझे क्या? अरे लानत है तुझ पे, लानत है तुम सब पे जो यहाँ पे इकट्ठा हो। तुम सब अपने आप को इंसान कहते हो? अरे नहीं, जानवर हो तुम सब, जानवर, बल्कि जानवर भी तुम सबसे अच्छा होता है। अरे निकलो इस कूड़ता और गंवारता के अंधेरे से, निकलो। जब तक तुम इसमें से नहीं निकलोगे ना, हरी जिंदगी यूं ही नरक बनती रहेगी। अरे ये कैसी गंदी जिंदगी जी रहे तुम, कभी सोचा? ये शराब, ये राक्षसपना, ये गरीबी, ये सब अनपढ़ होने के नतीजे हैं, अनपढ़ होने के। भगवान तुम्हें कब अकल देगा? अरे कब अकल देगा? अरे ये शराब है तुम सबकी जिंदगी पे, शराब जिसके जिम्मेदार तुम खुद हो। शराब है शराब की सब पशु है, एक पशु, दो पशु, तीन पशु, सब कैसा पशु? ओए पागल, ओए यहाँ से चुपचाप चला जा, बोल रहा हूँ चुपचाप चला जा, वरना दूंगा। हाँ हाँ, तू तो कमजोर आदमी पे हाथ उठाएगा ना? देख राधा राधा, देख बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तेरा बकवास सुनने को नहीं मांगता।
अंदर अपनी बकवास। ये चमचा ठेकेदार का चमचा, उसके तल में चाटने वाला चमचा। आ आ आ आ दिखा दिखा चमचा दिखा दिखा। क्या बोलो क्या बोलो? मुझे मुझे फेंक दिया, फिर से फेंक दिया। पहले जेल में फेंका, अब यहां बस्ती में फेंक दिया। ये बस्ती मुर्दा परस्तों की बस्ती है, मुर्दा परस्तों की। हे मालिक रहम कर, रहम कर इन पर। तूने मुझ पर तो रहम नहीं किया ना, नहीं किया ना तूने मुझ पर रहम। ओम मुर्गो अस्वात सबर तो वर्णम भर्गो दो सदी मई दियो रात सुदयाल। ये रोशनी की किरण दिखाए ना, ये नहीं तो ये सब के सब इस धरती पर बोझ बने रहेंगे मालिक, बोझ बोझ मालिक बोझ। रहम कर वाले, रहम कर वाले, रहम रहम कर वाले, मालिक रहम कर वाले। मैं इसको अभी अस्पताल लेके जा रही हूँ, मैं देखूँ कि मुझे कौन रोके। जलंधर तू कौन है, कौन है तू? रामसिंह गाड़ी लाओ। गाड़ी रुको, पीछे लो। जरा सुनिए, वो मैं आपसे ही कह रहा हूं। क्या कह रहे, अब कुछ कहना सुनना बाकी है क्या?